गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुरेश कुमार देवांगन हियर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार देवांगन एक बार पुनः आपके सामने हूँ। आज लाइव स्ट्रीमिंग का 5वां दिन है। किसी तकनीकी खराबी के कारण लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाई, इसीलिए ये वीडियो लेके मैं आपके सामने हूँ। आज हम प्रयोग करने वाले हैं शुद्ध का। बिना समय नष्ट किए हम चलते हैं लेसन की ओर, जहाँ आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। आप बहुत ध्यान से देखते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज की वीडियो के बाद में यह सीख पाएंगे कि शुड का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्ड है शुड, इसे हम हिंदी में कहते हैं चाहिए। जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, या ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, या फिर हम ड्यूटीज की बात करते हैं, या फिर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये करना चाहिए। एक विद्यार्थी को समय से उठना चाहिए, उसे समय से अपना काम करना चाहिए, उसे माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। अरे रमेश, आप तो बीमार हो, आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे होमवर्क करना चाहिए, प्रधानमंत्री को हमारे देश की सुरक्षा के विषय में सोचना चाहिए। तो बार बार हम देख रहे हैं, जब कभी भी हम कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं तो एक वर्ड आता है चाहिए। मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं सिखाना चाहता हूँ, आप अपने सेंटेंसेस को मजबूती से अंग्रेजी में सोचिए। जब कभी भी आप किसी को ड्यूटी की बात करें, आप मम्मी को कह रहे हैं, मम्मी आपको खाना अच्छा पकाना चाहिए, आप डायरेक्ट आप बात किसकी कर रहे हैं, मम्मी की। मम्मी से अगर आप बात कर रहे हैं, मम्मी को आपने बोला यू, आपको यू, यू के तुरंत बाद आपने लिख दिया शुड। पकाना को क्या कहते हैं, कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं, कुक, यू शुड कुक। अब यहाँ पे आपने लिख दिया टेस्टी फूड, सेंटेंसेस हो गया। रमेश को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं आप, रमेश की। फट से आपने बोल दिया रमेश, रमेश के तुरंत बाद क्या हो गया शुड, कौन सा काम करना चाहिए उसे, गो। अब बाकी आपका सेंटेंस आपको बन जाएगा रमेश शुड गो टू डॉक्टर। सेंटेंसेस इस तरीके से बने बनते चले जाएंगे। चलिए हम अगर आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, आपको गांव चले जाना चाहिए। आप फिर से, मैं कह रहा हूँ हिंदी के सेंटेंसेस को मत देखिए। यू, यू के तुरंत बाद आपने लगाया शुड और एक्शन कौन सा हो रहा है, गो। यू शुड गो टू द विलेज। वी शुड ईट ग्रीन विज, ये वी शुड ईट एक साथ सेंटेंस में आना चाहिए आपको। हमें किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, चोट पहुंचाना को बोलते हैं हर्ट, भावनाओं को फीलिंग। बस ये दो वर्ड आपको याद रखना है, ये इस प्रकार के कोई भी सेंटेंसेस आएंगे उन्हें याद रखना है। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, वी शुड नॉट हर्ट समवंस फीलिंग। तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए, मैं नए नए वर्ड ले रहा हूँ, बैकआउट, बैकआउट यानी मुकर जाना, पीछे हट जाना। तो यू शुड नॉट ब्रेक बैकआउट ऑन योर प्रॉमिसेस। सेंटेंसेस आसानी से इस प्रकार से आपके बनते जाएंगे। ये पीडीएफ मैंने इसलिए दिया है ताकि आप रूल्स रेगुलेशन को सीख सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को देख के आप एक्सरसाइजेस खुद कर सकते हैं। अब हमें कुछ करना चाहिए, ये आपके पहचान के लिए। देखिए, जब सेंटेंस आप बोलते हैं हिंदी में तो चाहिए, ए, इस प्रकार के प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे ये तो स्पष्ट लिखा है चाहिए। हाँ, हम उन्हें कैसे बुलाएं, हम उन्हें कैसे बुलाएं, हम WH फैमिली की बात करेंगे। अभी आगे जाके कुछ सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अब हमें कुछ करना चाहिए। नाउ, अब के लिए कौन सा वर्ड आ गया है, नाउ। आप इसके बना भी सेंटेंस नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, तो वी शुड डू समथिंग, वी शुड डू समथिंग। आई होप आपको सारे आइडिया क्लियर है, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। उम्मीद है आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसमें कुछ बोलने का विषय नहीं है, आपको सारी बातें स्पष्ट है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और इसीलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। चलिए देखिए, बहुत जल्दी सही रिकैप्चुलेशन, शुड,
आप जब कभी भी किसी को कार्य की सलाह दे रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, दो तरीके के दो स्पेलिंग होती है एडवाइस की, एक नाउन होता है एक वर्ब होता है। यदि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बताया मैंने आपको, यू शुड गो टू डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें समय से उठना चाहिए, तुम्हें सुबह उठना चाहिए। यू यू के तुरंत बाद आपने लगाया शुड, यू शुड गेट अप, गेट अप यानी उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बना लेंगे, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और भी हम सेंटेंसेस, अच्छा एक पुलिस को क्या करना चाहिए बताइए? लोगों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर को क्या करना चाहिए? समय से हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, मैं पुनः कहता हूं आपको, यू विल नॉट ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। डॉक्टर को हॉस्पिटल जाना चाहिए, जाना जाना के लिए कौन सा वर्ड है? गो। कहाँ जाना चाहिए भी उसको? हॉस्पिटल। सेंटेंसेस डन, आपका सेंटेंस बन गया, क्या हो गया? डॉक्टर्स, क्योंकि एक डॉक्टर की बात नहीं कर रहे आप, सारे डॉक्टर्स की बात। डॉक्टर्स बोलो, जल्दी बोलो, शुड गो टू हॉस्पिटल, वेरी गुड। वीडियो को पॉज कर लो, कमेंट बॉक्स में चार सेंटेंसेस आप बनाइए, अपनी अपने चार सेंटेंसेस बनाइए, जो बाकी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो खुद बता देंगे आपको कि आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं या नहीं है। उसके बाद बाकी के वीडियोस को देखिए आप। तो सिंपल है, आपने सीख लिया। अब चलो हम बात करते हैं, हम पैराग्राफ लिखते हैं आई स्टूडेंट, आई स्टूडेंट। अब आई स्टूडेंट पे आपको पैराग्राफ लिखना है, चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ब्लैक बोर्ड का, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं इस पे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत मौके हैं कि आप अपना हुनर दिखाए पाए, आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है, किस पर? आई स्टूडेंट पे आपको एक निबंध लिखना है। अब आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आते हैं, जिसे मार आपने पढ़ लिया है, आपने हैव और हैज पढ़ लिया है, इनका प्रयोग कीजिए, फिर आपने विल पढ़ लिया है, फिर आपने कैन पढ़ लिया है, और आज आप पढ़ रहे हैं शुड। अब आप इन सब का प्रयोग कीजिए और एक सुंदर सा पैराग्राफ बनाइए। आई स्टूडेंट इज फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री, ही हैज, अब स्टूडेंट को आपने क्या बोल दिया? ही हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ही शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, ही शुड कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क, ही हैज मेनी सब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम, ही हैज लॉट्स ऑफ होमवर्क एवरी डे, सो ही शुड डू ऑल द होमवर्क, ही कैन डू होमवर्क इन द मॉर्निंग एंड ही कैन प्ले इन द इवनिंग। अब ये कैन इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए, वह सुबह पढ़ सकता है और शाम को खेल सकता है, ही कैन प्ले इन द मॉर्निंग एंड ही कैन डू हिज होमवर्क इन द इवनिंग। सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो इसीलिए ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे, ही शुड प्रैक्टिस इट एवरी डे। हिंदी इज एन इजी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, सो ही कैन रीड द बुक्स एट नाइट, ही कैन रीड द बुक्स एट नाइट। बच्चों मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कितनी आसानी से, मैं बहुत देर से अंग्रेजी बोल रहा हूं और मुझे कुछ नहीं आता, केवल 5 डेज मैंने इंग्लिश विद देवांगन सर अटेंड की है,
यदि आपने नहीं किया है, आज आपका पहला दिन है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग में जाइए या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखें, उसमें डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर ये वीडियोज आप पहले देखिए, उनसे सीखिए, उसके बाद आप ये वीडियो अटेंड कीजिए, तब आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। चाहे आप एक शिक्षक हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, निश्चित रूप से आपको इन वीडियो से फायदा होगा। तो आपका मैंने होमवर्क दिया है, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट। आगे जाके हम बात करेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। एक टीचर के, क्योंकि बच्चों से तो सभी अपेक्षा रखते हैं, वैसे ही टीचर्स से भी अपेक्षा रखी जाती है। टीचर्स से भी अपेक्षा रखी जाती है कि वे ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ ना करे जो बच्चों को पसंद ना हो। जैसे अ टीचर शुड नॉट बीट द चिल्ड्रन, अ टीचर शुड नॉट स्कोल्ड द चिल्ड्रन। स्कोल्ड यानी होता है डांटना, SCOLD, स्कोल्ड। स्कोल्ड यानी डांटना। अ टीचर शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, अ टीचर शुड चेक द होमवर्क एवरी डे, ही शुड। आप टीचर को बार बार टीचर ना बोल के या तो ही बोल दीजिए या सी बोल दीजिए, या अगर आप टीचर्स की बात करें तो दे शुड वियर प्रॉपर ड्रेसेस, दे शुड नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली देने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दे शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम, दे शुड गिव होमवर्क, दे शुड चेक द कॉपीज। अब ये टीचर की ड्यूटीज हो गई, वैसी डॉक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती है, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस की क्या क्या ड्यूटी होती है, आपके एरिया के जो लीडर हैं उनकी क्या क्या ड्यूटी होती है। कमेंट बॉक्स पे सेंटेंसेस लिखते जाइए और मुझे बताते जाइए, आपके सेंटेंसेस डिसाइड करेंगे कि आपने कितना सीख लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम और कुछ भी सेंटेंसेस देखते हैं जिनका प्रयोग अभी हम करते हैं। हमने यहां तक कर लिया है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज देखते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ऊपर के सेंटेंसेस में आपने देखा कि पहला चाहिए से दूसरा उ की मात्रा और तीसरा ए की मात्रा से खत्म हो रहा है, इसीलिए इनमें शुड का प्रयोग हुआ है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सभी सब्जेक्ट कर्ता, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही सी इट, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ में हम शुड का प्रयोग करते। अब सेंटेंस को हम तीन भागों में बांटेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको शादी कर लेनी चाहिए, बनेंगे सेंटेंस, यू शुड गेट मैरिड। उसे 4 बजे तक खाना बना लेना चाहिए, शी शुड फिनिश कुकिंग बाई 4 o'clock। राहुल को लड़ाई झगड़े छोड़ देना चाहिए, राहुल शुड क्विट। अभी छोड़ देना, छोड़ देना के लिए कौन सा वर्ड है इंग्लिश में, क्विट, ये या आप याद रखेंगे, फाइटिंग लड़ाई झगड़े सबको मालूम है, तो राहुल शुड क्विट फिटिंग फाइटिंग। हमें अपने बड़ों से इज्जत, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट, बड़े एल्डर, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना, ये मुंह तोड़, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अक्सर हम करते हैं। मुंह तोड़ जवाब के लिए हम स्मैशिंग, रिप्लाई तो रिप्लाई है, यहां पे वर्ब जो है वो क्या है, देना, गिव, यू शुड गिव हिम अ स्मैशिंग रिप्लाई। तुम्हें उसको अपनी कॉपी दे देनी चाहिए, अब ये सेंटेंस हो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, यू शुड गिव योर साइंस कॉपी, योर मैथ्स कॉपी। मुझे लगता है हमें उसका इंतजार करना चाहिए, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, वी शुड वेट फॉर हिम। उसे जिद छोड़ देनी चाहिए, छोड़ना के लिए क्विट होता है, मैंने बता दिया है, जिद, इंसिस्टिंग,
ही शुड क्विट इंसिस्टिंग, छोड़ रहा क्विट। आपको अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, कंट्रोल, यू शुड कंट्रोल योर एंगर, यू शुड कंट्रोल योर एंगर। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, सेवा करना, सेवा करने के लिए सर्व, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंटेंसेस कितने सरल हैं और बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जा सकते हैं। निगेटिव की हम बात करते हैं, सिंपली हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये लिखा हमने शुड और शुड के बाद हम लगा देंगे नॉट। हम इसे शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में शुड नॉट शुडेंट लिख सकते हैं। उसको गाली नहीं देना चाहिए, गाली देना अब्यूज, ही शुड नॉट अब्यूज, ही शुड नॉट अब्यूज। आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपको फालतू में किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, बदनाम करना डिफेम, तो यू शुड नॉट डिफेम समवन विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। तुम्हें मुझे बदनाम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डिफेम मी। सिद्धार्थ को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, सिद्धार्थ शुड नॉट स्मोक। अच्छे अच्छे शब्द है, नए नए शब्द है। आपको पत्थर दिल नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बिकम, बिकम यानी बनना, यू शुड नॉट बिकम स्टोन हार्टेड। उसे आपको नहीं मारना चाहिए, उसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो ही शुड नॉट बीट यू, यस ही शुड नॉट बीट यू। ही यस ही डिपेंड करता है कि हम किसी मेल की बात कर रहे हैं कि किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। यदि हम राम की बात कर रहे हैं तो ही शुड नॉट बीट यू, यदि हम सीता की बात कर रहे हैं तो सी शुड नॉट बीट यू। आपको इतने लंबे बाल नहीं रखना चाहिए, रखना कीप, यू शुड नॉट कीप लॉन्ग हेयर। ये सेंटेंसेस याद रखिए, आप घर में मम्मी से, पापा से, बड़े भैया से, अपने टीचर से, अपने डॉक्टर से, अपने पड़ोसी से, आप इस तरीके से बात कीजिए कि आप शुड का प्रयोग कर सके। आपको किसी को धमकी नहीं देना चाहिए, धमकी देना थ्रेटन, यू शुड नॉट थ्रेटन समवन। माय डियर चिल्ड्रन मैं फिर से कह रहा हूं, सेंटेंसेस याद नहीं करना है आपको। मैं आपको कोई पका पुकाया सेंटेंस नहीं दे रहा हूं कि ये सेंटेंसेस रट लो और यही आपकी जिंदगी में काम आएगा। मैं आपको सीधा सीधा खाना देने के बजाय मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि खाना कैसे बनाया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता। आप सेंटेंसेस अपने मन से बनाइए और कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे ये डिपेंड करता है आप पे। चलिए हम तीसरे फेज पे है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले कि हम तीसरे फेज पे आए, इससे पहले कि हम सेंटेंसेस को WH में बनाए, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको समझाना चाहूंगा जिसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसे हम कहते हैं WH, WH एक सिस्टम होता है, हम जिसे कह सकते हैं इंटरोगेटिव होता है, वो दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं, या हम इसको दूसरे तरीके से हम आपको समझाएं, इंटरोगेटिव। बच्चों इसका बहुत अच्छे अच्छे लोग भी गलत प्रयोग कर देते, इसको इंट्रोगेटिव बोल देते, गलत, इंटरोगेटिव, ट्रो नहीं टरो, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है WH। अबे सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है, जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुने, आई एम अ टीचर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, एम आई अ टीचर, क्या मैं टीचर हूं, तो ये क्या हो गया, सिंपल इंट्रोगेटिव, क्योंकि हमने इसमें किसी और की मदद नहीं ली, जो वहां पे हेल्पिंग वर्ब है हमने उसी की मदद ली। जैसे अभी हम पढ़ रहे शुड, यू शुड स्लीप, ये सिंपल सा सेंटेंस है, यू शुड स्लीप। अब यदि मैं इसको कह दूं, इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दूं, शुड यू स्लीप, शुड यू स्लीप,
क्या तुम्हें सोना चाहिए, क्या तुम्हें सोना चाहिए। तो ये हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। तो फिर डब्ल्यू एच क्या है? डब्ल्यू एच क्या होता है, बहुत ध्यान से देखें, आप में से बहुत लोग जानते हैं इसे, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अभी आप सीखने वाले। डब्ल्यू एच फैमिली, ये सारे वर्ड डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। वॉट, वाई, वेन, वेयर, और आप बताते जाएं, हू, हूम। दो, चार, छः, आठ, और लास्ट वर्ड है आपका हाउ। हम इसे डब्ल्यू एच इसलिए कहते हैं, देखिए डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू एच और ये डब्ल्यू एच, इसलिए हम इसे कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। वॉट, वॉट मीन्स क्या, वॉट मीन्स क्या। वाई, वाई मीन्स क्यों। वेन, वेन मीन्स कब। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। हु मीन्स कौन, हुज, किसका, हुम, किसे, और हाउ कैसे। बच्चों इनके प्रयोग के अलग अलग नियम है। देखिए वॉट ये पोजीशन को पूछता है, वाई ये रीजन पूछता है, जब कभी आपसे कोई किसी काम का रीजन पूछ रहे हैं आप, तुम क्यों नहीं आए, क्यों, तो रीजन पूछ रहे तो वाई होगा। जब आप टाइम पूछे, तुम कब आओगे, तुम्हें कब सोना चाहिए, तुम्हें कब सोना चाहिए, तुम्हें कब उठना चाहिए, तुम्हें कब पढ़ना चाहिए, तुम्हें कब खाना खाना चाहिए, कब, टाइम पूछ रहे हैं आप, इसका प्रयोग करेंगे वेन। जब आप प्लेस पूछेंगे, कहाँ, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तब ये क्या आएगा, वेयर। इस तरीके से, खैर हम एक अलग वीडियो में इन सबका जिक्र करेंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे बेसिक चैनल पे अवेलेबल है। बहरहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन बनाने की। तो जब कभी भी ये डब्ल्यू एच के प्रश्न आपको बनाने होंगे, तो तरीका हमेशा ये होता है, इस डब्ल्यू एच को आप पहले लिखेंगे, क्योंकि अभी हम शुड का लेसन पढ़ रहे हैं, इसके तुरंत बाद आप शुड लगाएंगे। जैसे अभी एक प्रीवियस हमने सेंटेंस लिखा था, ध्यान से देखिए, यू शुड स्लीप, ये सेंटेंस था। फिर हमने इसको क्वेश्चन बनाया था, शुड यू स्लीप, शुड यू स्लीप, क्या तुम्हें सोना चाहिए। अब अगर मैं आपसे इससे प्लेस पूछूं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, शुड, वेयर शुड यू स्लीप, तुम्हें कहाँ सोना चाहिए। और यदि मैं इस वेयर को क्या कर दूं, व्हेन, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन शुड यू स्लीप, तुम्हें कब सोना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स इट इज वेरी क्लियर टू यू। आगे के सेंटेंसेस में देखिए, अब आपको आसान हो जाएगा सेंटेंसेस को बनाना। क्या मैं तुम्हें फोन करूं, क्या, शुड, उसके तुरंत बाद आई कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूं, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, मैं तुम्हें फोन करूं, तो ये हो जाएगा आई शुड कॉल यू। लेकिन जब ये क्वेश्चन बन गया, तो ये क्या हो गया, शुड आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें फोन करूं, क्या मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए, क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, भाई भूल जाओ जो पढ़ाई से डिस्टर्ब करता है आपको, जस्ट जोकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर, शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर, हमेशा के लिए, क्या हम हार मान ले, क्या हमें हार मान लेना चाहिए, हार मान लेना मतलब छोड़ देना, गिव अप, शुड वी गिव अप। देखिए आप हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है आपका। आगे, क्या मैं तुम्हारा फोन टेबल पर रख दूं, शुड आई पुट, अब बाकी सेंटेंस आपको बन जाएगा, शुड पहले नंबर पे आ गया, शुड आई पुट योर फोन ऑन द टेबल, क्या उसके लिए मैं अपने परिवार को छोड़ दूं, कभी नहीं।
किसी के लिए भी आप अपने परिवार को नहीं छोड़े। बहरहाल हम अंग्रेजी में सेंटेंस बना रहे हैं। शुड पहले नंबर पे आ जाएगा, शुड आई लीव माई फैमिली फॉर हर। आगे देखते हैं सेंटेंसेस, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाने के लिए सक्षम हैं। क्या मैं उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दूं, शुड आई लीव माई फैमिली फॉर हर। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, शुड आई मीट हर। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, शुड आई आस्क यू समथिंग। सभी सेंटेंस में आपने देखा होगा ये शुड आगे प्लेस हो जा रहा। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करें जिसमें इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ आते हैं, तो शुड भी लगेगा और नॉट भी लगेगा। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को ना निभाऊं, क्या मैं तुम्हारी मदद ना करूं, क्या मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं, क्या मैं वीडियो ना बनाऊं। तो सेंटेंस हो गया शुड, उसके बाद में आपने शब्द शुड आई नॉट, ध्यान से देखे शुड आई नॉट, उसके बाद में वर्ब शुड आई नॉट मीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड आई नॉट फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, शुड ही नॉट थिंक सो मच। क्या राहुल को शराब नहीं पीना चाहिए, शुड राहुल नॉट ड्रिंक। क्या हम मैच ना खेलें, शुड वी नॉट प्ले द मैच। अब आप अपने हो के 10 सेंटेंस, इन सेंटेंसेस से कुछ नहीं होना है। द सेंटेंसेस दैट वी आर स्पीकिंग विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। रादर आप अपने हो के सेंटेंसेस सोचिए और वो सेंटेंसेस फिर आपकी मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या वो अपना काम ना करे, शुड। क्या वह अपना काम ना करे, यहाँ पे सेंटेंस है वह, क्या वह अपना काम ना करे, शुड ही नॉट डू हिज वर्क। क्या मैं तुम्हारी तारीफ ना करूं, शुड आई नॉट प्रेज यू। भाई तारीफ तो करो, तारीफ करना किसको अच्छा नहीं लगता है, जिसकी तारीफ होती है उसको भी अच्छा। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता जो होती है देखने वाले की आंखों में होती है। और जब कभी भी आप किसी सुंदर चीज को देखें तो निश्चित रूप से उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान। The beauty must be praised. John Keats, बहुत famous poet है, वो कहते हैं, A thing of beauty is joy forever. एक सुंदर चीज हमेशा खुशी प्रदान करती है, देखने वाले को भी और दिखाने वाले को। चलिए WH family, जिसकी बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। WH family क्या है, मैंने आपको बता दिया है, What, when, where, how. तो मैं क्या करूं, अब यहाँ पे मैं क्या करूं, अब आप देखेंगे एक छोटा सा अंतर आपको मैं समझाना चाहूंगा, उसके लिए मैं आपको वीडियो पे वापस लेके जाता हूं। जब आप इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो इन सभी सेंटेंस में देखिए ये वर्ड जो क्या है ये सबसे पहले आ रहा है, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव। ध्यान से सुनिए, क्या मैं खाना खाऊं, क्या मैं खाना खाऊं, शुड आई ईट फूड, शुड आई ईट फूड। ये शुड क्यों, क्या मैं खाना खाऊं, तो जो मेरा उत्तर है वो किस में आएगा, या तो हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। जैसे क्या मैं तुम्हें फोन करूं, हाँ तुम मुझे फोन करो, नहीं तुम मुझे फोन मत करो। क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, हाँ तुम हमेशा के लिए भूल जाओ, नहीं तुम हमेशा के लिए मत भूल। ये जो क्या प्रश्न का उत्तर होता है जो हाँ या ना में आता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो जाती है। अब इसी प्रश्न को एक बार फिर से कंसिडर कीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, यस वीडियो पे ध्यान दीजिए, शुड आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाऊं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं क्या खाऊं, अगर मैं आपसे कहता हूं मैं क्या खाऊं, अब ये जो क्या है इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ध्यान से देखिए, अब ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ये इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं होगा। जब मैं आपसे पूछता हूं मैं क्या खाऊं, तो आप बोलेंगे आप पिज्जा खाओ, आप खाना खाओ, आप रोटी खाओ, आप चावल खाओ, आप दाल खाओ, आपका उत्तर ये आएगा। तो यहाँ पे ये जो क्या है इसका मीनिंग है व्हाट। अब मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें क्लियर हो गई है, मैं क्या करूं, तो आप गाना गाओ, आप डांस करो, आप पढ़ाई करो, तो ये जो क्या है इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा व्हाट, और व्हाट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा शुड, और फिर जिस सब्जेक्ट की बात करें व्हाट शुड आई, और फिर काम व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। हम इस लॉकडाउन में बाहर कैसे जाएं, कैसे, कैसे के लिए कौन सा वर्ड बताया मैंने, हाउ।
कैसे के लिए कौन सा वर्ड बताया मैंने, हाउ। तो हाउ, हाउ के तुरंत बाद शुड, हाउ शुड। फिर किसकी बात कर रहे हैं हम वी, हाउ शुड। एक्शन क्या हो रहा है हमारा, गो। हाउ शुड वी गो आउटसाइड इन दिस लॉकडाउन। मैं आपकी बात क्यों मानू, क्यों, क्यों मतलब वाई। तो वाई के तुरंत बाद क्या लगाएंगे आप, जल्दी बताइए, शुड। वाई शुड आई लिसन टू यू, मैं आपकी बात क्यों सुनू, मैं उस लड़की को कैसे पटाऊं। भाई इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर तो आप ही बताएंगे, ठीक है। हाउ, कैसे, कैसे के लिए कौन सा वर्ड है, हाउ। केजोल दैट पटाना, केजोल पटाना जिसे आप एक स्लैंग वर्ड में कहते हैं। हाउ शुड आई फ्लैटर दैट गर्ल, ये सेंटेंस हो जाएगा। मैं उससे नजर कैसे मिलाऊं, मैं उससे नजर कैसे मिलाऊं। तो हाउ शुड आई हैव यानी होना, आई कॉन्टेक्ट विथ हर, मैं उससे नजर कैसे मिलाऊं, मैं उसे आई कॉन्टेक्ट कैसे करूं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस है फ्रेंड्स। अब आप पर, मैं उसे चने की झाड़ पर कैसे चढ़ो, अब ये मत सोच लेना चने को क्या बोलते हो, झाड़ को क्या बोलते हैं, डोंट थिंक सो, डोंट थिंक सो। आपको इस प्रकार की बातें नहीं सोचनी, बल्कि आपको सीधा सीधा ये सोचना है कि सेंटेंसेस कैसे बने। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं उसे चने की झाड़ पर क्यों चढ़ाऊं, Why should I praise her to the sky? To the sky मतलब चने की झाड़। Why should I praise her? मैं उसे क्यों चने की झाड़ पर चढ़ाऊं? ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। I hope it is clear to you all. अब अगला सेंटेंस देखते हैं जो इस फैमिली का लास्ट सेंटेंस है। मैं आपको अपनी फीलिंग कैसे बताऊं, कैसे, हाउ, हाउ शुड आई एक्सप्रेस माई फीलिंग टू यू। डब्ल्यू एच फैमिली में भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव प्लस निगेटिव। ये आप इसे पढ़ेंगे और इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे। मैं केवल दो सेंटेंस की बात करूंगा। वह मुझसे बात क्यों ना करे, वह मुझसे बात क्यों ना करे, क्यों के लिए आप क्या लगाएंगे, वाई। वाई के तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे, शुड। वाई शुड, अब ही या शी लगाएंगे, उसके बाद में आप क्या लगाएंगे, नॉट। मैं उससे क्यों ना मिलूं, मैं उससे क्यों ना मिलूं, उससे अब जो है वो कौन है, लड़की है। तो पहले नंबर पे आपने क्या लिख दिया, वाई, वाई के बाद में शुड लगा दिया आपने, वाई शुड आई, फिर नॉट मीट हर, मैं उससे क्यों ना मिलूं। पहली बात तो मैं उससे मिलूं तो आई शुड मीट हर, आई शुड मीट हर। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए, आई शुड नॉट मीट हर। क्या मैं उससे मिलू, शुड आई मीट हर। मैं उससे कब मिलू, वेन शुड आई मीट हर। मैं उससे कैसे मिलू, हाउ शुड आई मीट हर। मैं उससे कहां मिलू, वेयर शुड आई मीट हर। बहुत ही सरल से, मैं क्या ना खाऊं, क्या भी है और ना भी है, क्या के लिए आ जाएगा, वॉट, और इसमें नॉट भी आएगा, ये आप दिमाग में रखें। वॉट शुड आई नॉट ईट, वॉट शुड आई नॉट ईट। तो दोस्तों इस तरीके से अब समय आ गया है कि इन सेंटेंसेस को आप बनाएं। मैं सबसे मैजिक की बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, जो नॉर्मली शुड वाले वीडियोस में आपको नहीं मिल पाते। शुड वाले सेंटेंसेस में एक इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जरा ध्यान से देखें, पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये जो ना है उसके लिए नॉट नहीं लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि फेल ना हो जाओ, या इसको दूसरे शब्दों में आप जो कह देते ना, पढ़ाई कर ले वरना फेल हो जाएगा, पढ़ाई कर ले वरना फेल हो जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में ताकि ऐसा ना हो, ताकि ऐसा ना हो, दवाई ले लो ताकि तुम बीमार ना हो जाओ, दवाई ले लो ताकि तुम बीमार ना हो जाओ, जल्दी जल्दी चलो ताकि ट्रेन ना छूट जाए। ये जो ना छूट जाए, तो ना छूट जाए के लिए नॉट नहीं आता है, ध्यान से देखें क्या होगा,
प्लीज स्टडी, पढ़ाई कर लो। लेस्ट, कौन सा वर्ड यूज होता है? लेस्ट। और लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे वो सीटीटी का एग्जाम हो, चाहे केवीएस का एग्जाम हो, नवोदय का एग्जाम हो, आपकी सीबीएसई का एग्जाम हो, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। तो ध्यान से देखिए, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, हरी अप, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नॉट इसमें कहीं भी नहीं आया, ध्यान से देखिए। इस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप गलत ना बोलो, इस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप गलत ना बोलो। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लेस्ट यू शुड स्पीक इनकरेक्टली। आगे समझ रहे आपको? वॉच दिस वीडियो लेस्ट यू शुड नॉट, यू शुड स्पीक इनकरेक्टली। प्रपोज कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कर दे। हाँ भाई जल्दी करो, प्रपोज कर दो ताकि कोई और भांजी ना मार जाए, कोई और प्रपोज ना कर दे। तो क्या सेंटेंस होगा? प्रपोज टू हर सून, जल्दी से ही उसे प्रपोज कर दो। लेस्ट, ताकि समवन एल्स शुड, ताकि कोई और दूसरा ना कर दे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सबसे अंतिम चीज, ये इस प्रकार से आप देखेंगे, एक एक्सरसाइज दिया हुआ है आपको, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस तरीके की लिंक आपको मिलेगी, जिसमें मैं बता दूं, चलिए आप जब चैनल में जाएंगे, जब आपने यहाँ पे लिखा इंग्लिश विद देवांगन सर, इस तरीके से जब आप इस चैनल में हैं, तो इसके मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को यहाँ पे खोल नहीं पा रहा हूँ। जब आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जैसे इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये आपका जब वीडियो खुला है यहाँ पे, और आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं इन वीडियो के, यहाँ पे देखिए, ये जब आप, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये जब वीडियो अपलोड होगा तब आप देख पाएंगे। नाउ जब आप देखेंगे इस तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो ये आपको आप देखिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको ये फील्ड मिल गया। जब आप इसे ओपन करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। मैं फिर से बता दूं, ये प्रीवियस लेसन का है, और इस तरीके से ये इंटरफेस ओपन हो गया है। आपको इसी तरीके से अभी जिस पीडीएफ से आप पढ़ रहे हैं, वो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अंत में मैंने आपको अलग अलग लिंक दे रखी है, जिन लिंक पे जाके आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ये लिंक है, आप देखिए, जैसे ही आपने इस लिंक को क्लिक किया, एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप देखिए, ये आपका खुल गया है, जहाँ पे कैन कैन नॉट, जो इससे पहले वाले वीडियो का लेसन है, लेसन 4 का वीडियो है, ये लिखा हुआ है आस्क अ क्वेश्चन। अब आपको ये एक्सरसाइज 1 है, अब यहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आई डैश द म्यूजिक इज टू लाउड, आई कांट हियर द म्यूजिक, हो जाएगा आपका आंसर, आई कांट हियर द म्यूजिक, आई कांट हियर द म्यूजिक इज टू लाउड। फिर से देख लीजिए, कांट टू हियर गलत होगा,
आई डोंट कैन हियर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आई के नॉट हियर। इस तरीके से जब आप सारे आंसर आप दे देंगे फिर आप अपने आंसर को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, तो जो राइट है रॉन्ग है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज टू पे जा सकते हैं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, और फिर जब आप एक्सरसाइज थ्री पे जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक्सरसाइज थ्री भी दिया हुआ है आप देखेंगे, ये एक्सरसाइज थ्री पे आप जाएंगे डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगी, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ ये देखिए एक्सरसाइज थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तब दोस्तों आप समझ पाएंगे और फिर आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इन सब के उत्तर आप लिख के आप अपने आंसर तो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे होमवर्क, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस, व्हाट शुड योर मदर डू, और भी ऐसे कई सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि वो वहां पे हमेशा बने रहे। आप दूसरों का भी मार्गदर्शन कीजिए। मैंने 40 मिनट के इस लेक्चर में आपको शुड का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आप कमेंट बॉक्स में 4 मिनट का समय दीजिए और अपने कमेंट लिखिए, और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद देवांगन सर। गुड डे।